दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? क्लास 10 के बच्चों का दोस्तों पेपर का काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। अब काफी करीब आपके एग्जाम आ चुका है, मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चों का। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे दोस्तों ये वीडियो महा स्पेशल होने वाला है उन सभी 10 के बच्चों के लिए जो 5 मई को मैथ के पेपर देने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए स्पेशल क्यों होने वाला है? तो दोस्तों आप लोग का जो रिक्वेस्ट था ऑल टू ऑल चैप्टर का जो है आप सर एक ही में प्रोवाइड करा दीजिए। तो आज जो है दोस्तों मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ ऑल टू ऑल चैप्टर का फॉर्मूला सीट और प्लस नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि हर एक चैप्टर्स में कौन कौन से वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, प्लस नोट्स, यानी कि इस फॉर्मूला नोट्स के माध्यम से आप अपने पूरे मैथ की तैयारी, ऑल टू ऑल चैप्टर्स की तैयारी जो है आप लोग एक दिन में कर सकेंगे। और साथ ही साथ आपके जो नंबर हैं, नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों। अगर आप लोग को फॉर्मूले भी याद होंगे जैसे कि शॉर्ट नोट्स में और साथ ही साथ जो है मार्किंग स्कीम में, ये साफ साफ सीबीएसई बोर्ड कहती है, अगर आपको सवाल नहीं भी आता है देन आप लोग को सवाल छोड़ के नहीं आना है। आप लोग गिवन लिखिएगा तो आपको 3 नंबर के सवाल में आधे नंबर आपको गिवन लिखने के मिल जाएगा। गिवन आपको खुद याद करके या कहीं से लिखना नहीं होता, गिवन आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है। तो दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश करिए, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करिए, अगर नहीं भी आता है तो भी अटेंड करिए। फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, गिवन और फॉर्मूला को याद कर लेंगे और साथ ही साथ वैल्यू को पुट कर देंगे देन आपके 3 नंबर के सवाल में डेढ़ नंबर कहीं नहीं गए। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए फॉर्मूला सीट, क्योंकि फॉर्मूला सीट आपको हेल्प करेगा 3 में से डेढ़ नंबर लेने में, वो डेढ़ नंबर तब जब आपको सवाल नहीं आता है। तो ये चीजें आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आपको हेल्प भी करे फॉर्मूला सीट कि आपको मैथ में सारे सवाल आप इजीली कर सके, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें फॉर्मूले पे ही जो है बड़े बड़े सवालों की नींव टिकी होती है। फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग इजीली धड़ाधड़ सॉल्व कर देंगे, नहीं आता होगा तो आप लाख कोशिशों करने के बाद भी आप सवाल को हिला भी नहीं पाएंगे। तो ये सब कुछ जो है फॉर्मूले का खेल होता है। तो सरफेस एरिया का जो है सारे शॉर्ट नोट्स प्लस फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हर एक फॉर्मूला यहाँ पे एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। राइट सर्कुलर जो है आपका सिलेंडर का देख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया, साथ ही टोटल सरफेस, चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे स्फेरिकल देख लीजिए, साथ ही साथ स्फीयर देख लीजिए, ऑल टू ऑल, यानी कि मैं बता रहा हूँ A to Z जो है सारे फॉर्मूले ऑल टू ऑल चैप्टर्स का भी है। दूसरा चैप्टर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शॉर्ट नोट्स आप लोग देख लीजिए, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे देख लीजिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करके रखना है ताकि एग्जाम में जब इससे जुड़े हुए सवाल आए तो आप उसे इजीली कर सकें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख लीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से इस चैप्टर में क्या क्या चीजें बताई गई है। तो ऑल टू ऑल जो है यहाँ पे स्टेप्स भी देख सकते हैं, तो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे आप लोग देख लीजिए। रिकैप नोट्स आपको काफी हेल्प करेगा कम टाइम में पूरी तरीके से तैयारी करने में। तो एपी का भी देख लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का भी जो है यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, क्या होता है एपी, साथ ही साथ जो है सम ऑफ जो है आपको निकालना होता है तो वो भी देख लीजिए, सम कैसे निकालेंगे एपी का, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। अगला जो है आपका सर्कल का है, सर्कल में जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए थ्योरम 1 और थ्योरम 2, ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह ये देखने को मिल जाएगा। तो ये थ्योरम को अगर आपने अभी तक रटा नहीं है तो रट लीजिए, रटने की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि वेरी से भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थ्योरम भी देख लीजिए, प्लस इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में देख सकते हैं। तो एवरी चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, साथ ही साथ जो चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अगला कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आपको देखनी है, किस तरीके से आप लोग कंस्ट्रक्शन के सवाल को करेंगे, तो यहाँ पे सारे स्टेप्स भी देख लीजिए, तो काफी हेल्प करेगा। इसको सेव करके अपने गैलरी में रख लीजिएगा, ये काफी हेल्प करेगा आपके आज और कल की पढ़ाई करने में, क्योंकि इन शॉर्ट टाइम में आपको जल्दी से आपको सारी चीजों को कंप्लीट करनी है। आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को फिर से करने लगेंगे, एक एक चैप्टर को करेंगे तो आपका हो जाएगा, अब आपके पास कम टाइम है, तो इन कम टाइम में आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी है। तो इन एक डिश में आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो इस शॉर्ट नोट्स को देख लीजिएगा। तो ये सारी चीजें देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का है, उसके बाद जो है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, तो शॉर्ट नोट्स प्लस जो है सारी चीजें आप लोग देखिए। तो एक एक करके सारे चैप्टर हैं दोस्तों, तो आप एक एक करके सारे चैप्टर को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए इसी तरीके से ढेर सारी कंटेंट लाते रहते हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।